अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी मेरी प्यारी सी फैमिली। ये करेले बना रही हूँ, इनका थोड़ा सा क्लिप शूट कर लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिलेंडर पे बन रहा है जी, गैस नहीं। ये जी कीमा प्याज पड़ा था, ये भी मैं बीच में ऐड कर लूँगी। तो कीमा करेले प्याज बहुत ही मज़े के बन। साथ ही जी मैंने प्याज ले लिए हैं, ये डालूँगी, और दो अदर टोमेटो हैं, इनका मैं पेस्ट रेडी करके वो मैं ऐड कर लूँगी। ये जी हमारे करेले की स्किन, ये मैंने रिमूव की हुई है, इसको धूप में रखा है। बस ये इसको वॉश करके ड्राई करेंगे, ये घर वाले बहुत ही पसंद करते हैं। सब्जी कुछ किचन की सफाई होनी है, बर्तन वगैरह धोने हैं, नमाज पढ़नी है। इनका थोड़े से ऐसे क्लिप शूट कर लिया जाए। हफ्ते में एक बार तो करेले मस्ट ही बनते हैं। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। पहले मैंने अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ये जी है हमारे चने की दाल, इसके मैंने शामें बनाने हैं, इसको मैंने भिगो रखा है, ये अब सेकंड टाइम बना लेंगे। ये मैंने टमाटो का पेस्ट बना के वो इसमें ऐड कर लिए, करेले में मसाले ऐड कर लेंगे। अच्छी मैंने नमक ले लिया है 1.5 टेबल स्पून, और रेड मसाला भी इतना लिया है, हल्दी 1/4 स्पून है। ये है जी ज़ीरा, साबित धनिया है, और धनिया का मैंने मगज़ भी ले लिया, मेथी है। अब ये तमाम चीज़ें हम पैन में ऐड कर लेंगे। देखिए ये तमाम मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। किस किस को करेले पसंद हैं ज़रूर बताइएगा जी। टमाटो का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर किया, इनका बहुत अच्छा मसाला रेडी हो चुका है। अब प्याज और हरी मिर्च ऐड करती हूँ करेलों में। जी मैंने प्याज और हरी मिर्च ऐड किए हैं, फिर मैं कीमा ऐड कर लूँगी, इनको मिक्स करती हूँ। जी मैंने कीमा ऐड किया है, और मैंने हाफ टेबल दही का ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया। अब 10 से 15 मिनट के लिए कवर करूँगी, मज़ेदार से कीमा प्याज करेले बन के रेडी हो जाएंगे, और तंदूर से रोटी लगवा देंगे मज़े की। अब जी मैंने ये करेले की स्किन को, जिसको छील बोला जाता है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, नमक लगा के रखा था तकरीबन 1 घंटे के लिए, आप 30 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं। अब मैं इसको धूप में रखने जा रही हूँ, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है जी। मज़ेदार से हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हल्की आँच में ये अच्छे से भून जाते हैं। बस अब इनको गर्म गर्म रोटी के साथ इंजॉय करना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी दुआओं की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।